तो आज से 3-4 साल पहले मुझे लगा कि मुझे उससे प्यार हो गया है, हालांकि उसे ऐसा कुछ नहीं लगा, एक तरफा वन साइडेड लव, तो उसे कुछ भी नहीं लगा ऐसा, तो उसके लिए मैंने लिखा है। और फिर होते होते मुझे उसको देखते 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 इतना प्यार हो गया कि अब मुझे उसके अलावा किसी लड़की से प्यार नहीं होता है, और मुझे मतलब दोस्ती वोस्ती चलती है लेकिन प्यार हो गया है मुझे ऐसा लगता है। और आज के ज़माने में ऐसा कोई प्यार नहीं कर सकता जो मैंने किया है और जो अभी भी मैं करता हूँ। हालांकि उस लड़की से मेरा कोई अभी रिलेशनशिप नहीं है, ना बातचीत होती है ना कुछ होता है, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि यार वो मेरे लिए भगवान है, वो मेरे लिए खुदा है, और मैं उसको उस तरीके से ही पूछता हूँ, उसके लिए उस तरीके से ही लिखता हूँ। हालांकि अभी मेरी बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन कभी कभी लगता है ऐसा कि जैसे मीरा ने कृष्ण से प्यार किया था, अब ज़रूरी तो नहीं है कृष्ण ने मिल गया तो सेम मेरा है, तो इसलिए मैंने भी कुछ ऐसे ही लिखा है उनके लिए। मतलब वन साइडेड लव आप कह सकते हो, जो उसमें दर्द है, जो जो उसमें प्यार है, बस वही मैंने ऐसा कुछ लिखा है। मतलब मिला नहीं है तो मैंने लिखा है कि ठीक से पढ़े ही नहीं मोहब्बत में, ठीक से पढ़े ही नहीं मोहब्बत में, वो बच्चे मुझे अपने महबूब की तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक से पढ़े ही नहीं मोहब्बत में, वो बच्चे मुझे अपने महबूब की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक उम्र निकाल दी इंतज़ार में किसी गैर के, एक उम्र निकाल दी इंतज़ार में किसी गैर के, और ये कल के लौंडे मुझे इश्क करना सिखा रहे हैं। और दो चार साल बर्बाद हो गए थे, मतलब बर्बाद मैं नहीं कहूँगा लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं, मैं बर्बाद नहीं कहूँगा। तो मैंने लिखा है कि जो थी मेरी पहले वो कहानी वापस कर दे। वो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो बोलती थी तुम अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटोज़ क्यों रखते हो। अब हालांकि देखो वन साइडेड लव है तो रखना तो वो मैंने लिखा है कि जो थी मेरी पहले वो कहानी वापस कर दे, उबलते हुए खून की रवानी वापस कर दे, मैं तेरी सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर दूंगा, तू मुझे मेरी जवानी वापस कर दे। अब जो होने वाले नहीं वो रिश्ते थोड़ी निभाएंगे, अब जो होने वाले नहीं वो रिश्ते थोड़ी निभाएंगे, किसी और के साथ जाने वाले हमारे साथ थोड़ी आएंगे, किसी और के साथ जाने वाले हमारे साथ थोड़ी आएंगे। दोस्त वो तुम्हारी भाभी है माना, लेकिन दोस्त वो तुम्हारी भाभी है माना, लेकिन यार वो सारे शहर में बदनाम हो जाएंगे। लिखा है कि रंजिश भरे इस दौर में हर वक्त साथ देने वाला इंसान रखता हूँ। ये मैंने अब सारे दोस्तों के लिए, समाज के लिए, सबके लिए एक छोटा भाई होने के नाते एक संदेश लिखा है कि रंजिश भरे इस दौर में हर वक्त साथ देने वाला इंसान रखता हूँ, जाति धर्म के ऊपर एक दोस्त मुसलमान रखता हूँ, और गीता रखता हूँ बेशक एक हाथ में, मेरे दोस्त को बुरा ना लग जाए इसलिए दूसरे हाथ में कुरान रखता हूँ। मैंने लिखा है कि होते होंगे झूठे वादे, मैं तारों को जमीन पे ना ला दूं तो कहना, अर्जियां लगाते हो जिसके आगे, अगर उस खुदा से ना मिला दूं तो कहना, प्रकाश की चाह है तो कहो हमसे, मैं अपने सीने पर मोमबत्ती ना जला दूं तो कहना। भाई प्यार सबको होता है, सबकी गर्लफ्रेंड होती, मतलब सबकी उन लोगों को प्यार होता है जिनकी गर्लफ्रेंड भी उनसे उतना ही प्यार करती है, लेकिन मुझे उससे कभी प्यार नहीं मिला भाई। हर वक्त जलील, मतलब जो होता है ना इग्नोर, लेकिन अब मुझे हो गया उससे, तो वही मैं रिलेट करता हूँ, वही मैं लिखता हूँ यार। हाँ वही तो मैंने लिखा है कि खामोशी है चेहरे पर, खामोशी है चेहरे पर, भीतर हल्की सी धड़कती आंधी है, खामोशी है चेहरे पर, भीतर हल्की सी धनकती आंधी है, सिर्फ एक ही शख्स की बात है काना, सारी कायनात थोड़ी मांगी है। और ये लास्ट चार लाइनें हैं कि पूछो तो कैसे पूछूं, पूछूं तो कैसे पूछूं, बेरोजगार भी तो हूँ, नाकामी बेबसी, अब तो मुझे अपने हालात से डर लगता है, और कहीं चली ना जाए किसी और के साथ, उसके गांव की तरफ जाने वाली हर बारात से डर लगता है। थैंक यू गाइस।